दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध सीट लोकसभा की आजमगढ़ की सीट पर ललकार शुरू हो गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ललकार दिया है शिवपाल सिंह यादव को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को सीधा बनारस की धरती से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ललकारा है कि आजमगढ़ में आइए चाचा, वहीं होगा दो दो हाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जमीन खिसकी हुई भारतीय जनता पार्टी को, मैं लगातार आपको वीडियो इसके ऊपर सारा प्रूफ बताया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी घबराई है। अब अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव पूर्वांचल के दौरे पर पूरी तरह से, कभी अम्बेडकर नगर, कभी बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर से लेकर बनारस, आजमगढ़, जो प्रतापगढ़ से लेकर कुंडा, तमाम वो गढ़ हैं, तमाम वो धड़ा हैं जहाँ पे पूर्वांचल की धरती, जहाँ पे एक समय मुलायम सिंह यादव के ज़माने में सपाई गढ़ कहा जाता था, और वहाँ पे शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा, जैसे ही आजमगढ़ में पहुँचते हैं 10 के 10 विधायकों से वहाँ पर मुलाकात होती है। हालाँकि एक विधायक रमाकांत यादव जेल में है, 9 के 9 विधायक वहाँ पर स्वागत करते हैं और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आजमगढ़ के स्वागत करते हैं। शिवपाल सिंह यादव को ये दर्द, ये टीस लगातार सता रही, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक रहे तब तक आजमगढ़ में डंका समाजवादी पार्टी का बजता रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जो भी काम हुआ है, एक एक ईंट पर जो है समाजवादी पार्टी का नाम है उस पर, जो भी विकास हुआ वहाँ पे, चाहे जितना भी विकास हुआ, चीनी मिल, डेयरी मिल, रोड, बस स्टैंड से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अस्पताल से लेकर, तो तमाम वो कलेक्ट्री कचहरी के जो दशा थी वहाँ पे तमाम लोग बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहाँ पे बहुत बड़ा जो है कि चैलेंज दिनेश लाल यादव निरहुआ शिवपाल सिंह यादव को दिए हैं। और खबर ये मानी जा रही है कि शिवपाल सिंह यादव की रणनीति थी कि आजमगढ़ में जाके पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन करें और बीजेपी सांसद या बीजेपी नेता की तरफ से कोई ऑफर और ललकार आए तब उस सीट पर जो है कि चुनौती दिया जाए, और वही हुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ चैलेंज दिए हैं शिवपाल सिंह यादव को, और बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और सारे कार्यकर्ता समाजवादी पूरी तरह से लग गए वहाँ पे। और मैं आपको बता दिया, पीडीए का जो नारा है वो सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पचकंडे उखड़ सकते हैं, पैर उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से अखिलेश यादव जमीन पर उतर कर और शिवपाल सिंह यादव पूर्वांचल की पूरी कमान और मैनपुरी से लेकर मध्यांचल का, जिस तरह से अखिलेश यादव अयोध्या से लेकर तमाम वो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, तमाम वो जगह पे संभाले हुए हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव के अच्छे अच्छे पदाधिकारी नेता वहाँ पे कमान संभाले हैं, और जयंत चौधरी और साथ में चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहा है। पीडीए का जो नारा दिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव को ललकार से शिवपाल सिंह यादव क्लियर के आजमगढ़ सीट पे फाइनल मानी जा रही है। और वहाँ पे दिनेश लाल यादव से निरहुआ से मुलाकात और वहीं पर कड़ा मुकाबला, गदा युद्ध होगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का पलड़ा भारी होता हुआ अभी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कद्दावर जमीनी नेता है, एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ हैं शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के जमीनी नेता हैं, पिछड़े के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव को शिवपाल सिंह यादव भारी पड़ते हुए दिनेश लाल यादव पे आ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।